मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला था प्री वाला पहले प्रोजेक्ट्स में शुरू में, कि मैं प्री पे नहीं इतना ज़्यादा ध्यान देता था, मैं सेट पे जाके ना मुझे ज़्यादा मज़ा आता था कि अच्छा देखते हैं इस जगह पे क्या बना सकते हैं। मैं इधर आया हूँ, मैं एनर्जी कि मैं यहाँ की एनर्जी देखूंगा, यहाँ की लाइट देखूंगा, क्योंकि मैंने सोचा तो कुछ और होगा। तो ये एक चैलेंज भी था, जो कि आपने जो पहले प्लान किया हुआ है फिर वहाँ जाके आपको कुछ और नज़र आ रहा है, तो आपने आपको कैसे फील ये वाला कराना कि नहीं अब ये शूट करना है। अवैस कुहर, आप सिर्फ बहुत अच्छे आर्टिस्ट नहीं, आप मुझे लगता है नए बहुत से आने वाले लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। सबसे पहले अपनी छोटी सी कहानी तो सुनाएं, बिकॉज आई नो पेंटिंग से शुरू किया, फिर NCA फिल्म मेकिंग पढ़ा, और अब कमली तक का सफ़र, बीच में बहुत कुछ हो। आई वॉन्ट टू नो अवैस स्टोरी। थोड़ी सी लंबी है, कोई बात नहीं, जितनी मर्जी काट दीजिए। नहीं नहीं, काटने क्यों, मैं चाहता हूँ लोग सुने कहानी सुने। कहानी कुछ ऐसी है कि वो, खैर मैंने अभी आके सारा कुछ इकट्ठा किया, डॉट्स मिलाए हैं, लेकिन काफ़ी अभी रिसेंटली मैं सोच रहा था कि शुरू कहाँ से हुआ ये सब कुछ। तो मुझे इतना याद है कि बचपन के अंदर, जब सरगोदा भी नहीं, जब हमारी पोस्टिंग होती थी अटक में या सिंध में, अब आर्मी में थे, तो हम जहाँ पे भी पोस्टिंग होती थी वहाँ पे जो आर्मी स्कूल्स का एक माहौल होता है स्ट्रिक्ट, के वो वाला सारा सिस्टम, तो मैं बीच में, मुझे इतना याद है कि मेरी जो नोटबुक्स हैं वो सारी भरी हुई हैं ड्राइंग्स के साथ, कि मैं किसी भी सब्जेक्ट की, हाँ मतलब उसके बीच में बड़ा एक मज़े की, पिछले दिनों मैंने ढूंढी भी वो बुक, बल्कि मैं अपने पास कभी दिखाऊंगा भी, वो नोटबुक है जिसके अंदर मेरे अब्बा ने जिल्द करवाई थी किताबें, हाँ। तो उसके अंदर उन्होंने एक एक पेज लगा दिया, एक खाली पेज, ताकि ये फटे ना उस तरह से ना। तो वो एक बड़ा मज़े का सीन हो गया कि लोगों को ये लग रहा होता था कि पढ़ रहा है, क्योंकि वो साथ में वो जो पढ़ाई भी हो रही थी तो मैं साथ साथ ड्रा कर रहा होता था। तो वो जितनी स्पेसेस थी ऊपर नीचे सारी वो ड्रा करके मैंने भर दी हुई थी, पूरी बुक को मेरे पास भरी पड़ी है, कि उस समय जो देखने में टीचर भी नज़र आ रहा है तो टीचर को मैंने बना अच्छा, दिया तो सामने नज़र आ रहा है जो, हाँ जो सब कुछ, जो खिड़की नज़र आ रही है, कोई बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो सारा ड्रा करता रहता था मैं। तो ये बहुत माठा सा ड्राइंग का शौकीन था, लेकिन मैं दरख्त और आंख बनाता था, पता नहीं क्यों आसान होती थी दोनों चीज़ें। शुरू वही से होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो आपको सबसे इजी लग रहा होता है वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आप फिर कॉम्प्लिकेशंस में चले जाते हैं, उसके बाद खत्म हो गया ड्राइंग का। तो ये एक मोटा मोटा सबसे मेजर एक जो चीज़ मुझे याद है ड्राइंग वाली, कि ऑब्जर्वेशन जो है, क्योंकि बहुत ही कम बोलने वाला सीन होता था कि मैं बिल्कुल खामोश, एक बच्चा बिल्कुल लैंड पे बैठा हुआ है और ड्रा कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने वाकई में उस दिन भी किसी को कह रहा था कि मैंने सिर्फ, आई थिंक, देखा ही है, मैंने सिर्फ आंखों से देखा है, कि मतलब जो भी कहानी या कोई भी किसी को बात करते हुए या किसी के इमोशंस को भी समझना, या वो सिर्फ मैंने आंखों से जो है ना बहुत ज़्यादा स्टडी किया है। NCA की क्लास तक भी याद है कि बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी इतना ज़्यादा वो नहीं, थोड़ा बहुत बोलना शुरू, थोड़ा सा, हाँ हाँ, थोड़ा बेहतर ऐसे ही मेरा कनेक्शन भी ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों मुझे खामोश DOP बड़े अच्छे लगते हैं, खेजर भी बहुत कम बोलते हैं जिसके साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम किया। लेकिन अच्छा, तो फिर ये ड्राइंग बनाते हैं, ये चीज़ थी जो है। फिर सेकंड चीज़ जो बहुत फिल्मों का शौक था, जो वो था VCR के टाइम में हम लोग, क्योंकि मेरे अब्बा बहुत ही सख्त मिजाज, ना केबल लगवाने देते थे घर पे, ना फिल्में देखने देते थे, और मैं वो बच्चा था जिसने देखनी ही देखनी है, मोहल्ले में किसी के घर फिल्म लगी है मुझे पता लग गया कि इन्होंने फिल्म लगाई है, और मैं चुपके से चला जाता था, बेशक खिड़की से देखनी है या उनसे मिन्नत करके कि यार मुझे बिठा दें साथ, बॉलीवुड हो कुछ भी हो, तो वो मैंने देख लेता था। तो मैं, मुझे याद है अभी भी, कि एक दफ़ा मेरे अब्बा 2 दिन की कोई एक्सरसाइज पे गए, तो मैंने कहा 2 दिन पीछे मिल गए अम्मा वगैरह के साथ, तो मैं कर लेता था, सेटिंग थी, तो मैं रेंट पे VCR लेके आया, साइकिल पे मैं, साइकिल अपनी छोटी सी साइकिल थी, मैं उस पर गया, मैंने रेंट पे लिया, उन्होंने कहा कोई आपकी शिनाख्त वगैरह, तो मैंने एक दुकान वाले को कहा यार मेरी जिम्मेदारी दे दे, मैं दे जाऊँगा वापस। और उसका बड़ा अजीब वाक्य है कि मैं जब लेके आ रहा था, मैंने फिल्म शिल्म देखी, और जब मैं वापस करने जा रहा था मेरे से गिर गया रास्ते में, VCR गिर गया साइकिल पे, क्योंकि मैंने बिल्कुल आगे रखा हुआ था। तो वो मुझे अभी भी याद है, मैं जिस तरह वापस करने गया उसको, मैंने ठीक करवा रहा हूँ, कभी क्या करा रहा हूँ, एक बिल्कुल एक पैनिक मचा हुआ है।
लेकिन यह है कि फिल्मों में मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कि फिल्मों का बहुत शौक था कि ईद पे जैसे चूड़ियाँ लग गई कि ईद को फिल्म नहीं टीवी पे कि ईद पे पीटीवी के ऊपर एक फिल्म दिखाते होते थे वो ईद वाले दिन वो फिर हफ्ते इतवार को कोई इंग्लिश फिल्म लगती होती थी सैटरडे संडे को रात को 11-12 बजे वो काट कूट के वो दिखाते होते थे। तो ये जो है ना जो बचपन से जो चीज़ें याद है। वैसे कोई ऐसी फिल्म जिसने बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन भी छोड़ा मतलब कुछ आपकी जरूरी नहीं है मतलब वो फिल्म अच्छी हो लेकिन होता है ना कभी आप कनेक्ट कर जाते हैं जैसे मुझे नहीं पता मतलब मुझे मेरी होली है और मेरी तबीयत को देख कोई नहीं सोच सकता कि मेरी पसंदीदा फिल्म टर्मिनेटर 2 है। अच्छा क्योंकि मुझे बस उसके साथ एक एसोसिएशन है वो जब मैंने तो कोई ऐसी फिल्म जो कोई अच्छा मेरी इस तरह की बचपन की कोई वो नहीं है बचपन की कोई बहुत ज्यादा आप कह लें कि कुछ भी देख लेना है बस हाँ, कुछ देख लेता था। हाँ मैंने बॉलीवुड भी लॉलीवुड भी क्योंकि शौक था कुछ ऐसी एंटरटेनमेंट का या कोई ऐसी चीजें देखने का कि थोड़ा सा जरा ब्रेक मिले ये फौज से और पढ़ाई से। लेकिन ये उस वक्त फर्क पता था कि जो टीवी पे आ रहा है वो कुछ और है और फिल्म कुछ और है क्योंकि ड्रामा तो हाँ, चलता हाँ, है हाँ, ये, मतलब हमारे हाँ, लेकिन मज़े की बात है कि ड्रामे भी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो बचपन में मुझे जिस तरह कुछ ड्रामे याद हैं जैसे धुआं ड्रामा या इस तरह के कुछ ड्रामे लगते होते थे वो ड्रामे भी बड़े इंटरेस्टिंग उस तरह से लगते थे उस वक्त बचपन में कि कुछ हो रहा है कुछ स्टोरी चल रही है कुछ फिल्म की तरह ट्रीट किया हुआ है उसको। तो मुझे लगता है कि फिल्म ड्राइंग और ये म्यूज़िक वगैरह सुनने का बस कैसेट्स वगैरह में और ये सारी चीज़ें उस वक्त के थी तो बड़ा एक वो फिर उसके बाद मैं इतना बागी हो गया कि मैंने उनको कहा कि मतलब मेरे से अब ये नहीं संभाला जा रहा तो मुझे केबल लगवानी ही लगवानी है जो मर्ज़ी हो जाए कि मैंने फिल्में अब घर पे देखा करनी है मैं नहीं लोगों के घर जा जा के किराए पे ला ला के देख सकता। तो मेरे बहुत क्या ऑर्डर है छोटा है मैं सबसे छोटा सबसे तो थोड़ी सी मांग भी लेते थे थोड़ी सी थी लेकिन यह है कि अब्बा ने कहा कि नहीं लग सकती तो मेरी एक बहुत बड़ी एक जंग चली घर वालों के साथ कि मैं घर से भाग जाता था नहीं आता था खाना नहीं खाता था दो दो दिन कि मुझे बस केबल लगवानी है जिस बल्कि मैंने एक जगह पे चोरी छुपे जा के केबल की कुंडी भी लगा दी थी साथ वालों के घर ताकि जब वो घर वाले सो जाए तो मैं रात को बैठ के अंदर मतलब मैं देखा कहीं भी कुछ भी गारों में शूटिंग कर लें पहाड़ों पे चले जाएं ये एक छोटी सी खुडी के अंदर शूटिंग करनी है तो इसलिए अवैध बहुत की ये मैं एक जर्नी सख्तियों पर मबनी है ऐसे ही है। फास्ट फॉरवर्ड अच्छा अब लेकिन इससे पहले कि मुझे बात भूले अब अब्बा रिएक्शन अच्छा अब्बा ने जब वो जब मैं एनसी वाले टाइम में आया और अच्छा कहानी पे क्रोनोलॉजिकली चल रही है अब एनसी जाने का सवाल हाँ क्योंकि मैं जब वहाँ आ गया तो उसके बाद वो भी एक स्टोरी है पूरी। तो मैं जब इधर आ गया तो मेरे अब्बा ने कहा कि मतलब पता नहीं किसके पास रह रहा है कहाँ रह रहा है अकेला चला गया ना किसी को जानता है ना कुछ हो गए 2 महीने बाद आए देखने के लिए यहाँ पे कि क्या कर रहा है। तो मैं यहीं पे कोई कमरा लिया हुआ था और उन्होंने मेरे इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि ये बच्चा इधर रह रहा है क्या करता है तो उन्होंने कहा ये तो पागल है बच्चा ये तो सारा दिन ड्राइंग करता रहता है सारी सारी रात जागता रहता है और ये मैं समझ नहीं आता ये क्या है ना कभी बाहर गलियों में बैठा हुआ ड्राइंग कर रहा होता है क्योंकि उस वक्त ये था कि एनसीए में जाने के लिए आपको टेस्ट देना है ड्राइंग का हाँ बट नहीं नहीं उस वक्त मुझे अब ये वही है कि तब तक डिपार्टमेंट नहीं पता था क्योंकि मुझे एफएससी तक किसी ने आर्ट का भी नहीं बताया हुआ था सिर्फ 3 चीजों का पता था या आर्मी है एयरफोर्स है या नेवी है तो इन तीनों में से कोई एक चीज कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं तैयारी कर चुका हूँ आईएसएसबी की आर्मी की। अब्बा के अलावा भाई भी है मेरा भाई एयरफोर्स में तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा ये एयरफोर्स में एक को इसमें भेज देते हैं और मैं तैयारी की है पूरी आईएसएसबी की एक टाइम तक मेरी ट्रेनिंग हुई हुई है फिजिकल कि यार इसको टेस्ट दिलवाते हैं। तो तब मुझे किसी ने बताया इसी तरह कि आर्ट भी कोई चीज़ है तो इसलिए वो जो पूरी स्ट्रगल थी कि अच्छा आर्ट है तो सही लेकिन इतनी ज़्यादा उसके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं इतनी फील्ड्स हैं तो कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो इसलिए फिर मैं इधर आया इधर ड्राइंग की तैयारी करता रहा अब्बा ने आके देखा कि ये क्या कर रहा है उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी उन्होंने कहा वापस चलो तुम तो पागल हो गए बिल्कुल ही मतलब मेरी सेहत भी वैसे भी उन्होंने हुलिया देखा और लोगों से पूछा लेकिन जब वो घर गए खैर मैंने कहा मैं तो नहीं जा रहा साथ अब तो मैं इधर ही हूँ तो जब वो घर गए मेरी अम्मा को जाकर उन्होंने कहा कि अब लगता है मुझे कुछ कर लेगा मतलब पूरी ज़िंदगी वो कहते रहे इससे नॉन सीरियस बच्चा मैंने कभी नहीं देखा इसको कहीं फैक्ट्री में लगा देते हैं इसको कहीं बाहर भिजवा देते हैं इसको कुछ कर देते हैं ये नहीं पड़ेगा। बट उन्होंने कहा मैंने पहली दफ़ा इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी है कि ये अब कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो
तो उसके बाद एन सी आ गए और फिर जो भी अभी मैं कर रहा हूँ उसमें उनको होता है कि यार जी जो भी कर रहा है लेकिन मेहनत कर रहा है क्योंकि इसने कभी मेहनत नहीं की थी जैसी मेहनत हाँ उन्होंने कहा फौज में से बढ़ के ही काम है इनका तो कि सारी रात भी शूट करते रहते हैं दिन में स्टेटमेंट बट दैट्स ट्रू बट दैट्स ट्रू सो अच्छा एनसीए अब आके वही कि जिस बच्चे को नहीं इस बात की अंडरस्टैंडिंग की इसकी डिसिप्लिन क्या है सिरेमिक्स हो सकती है टेक्सटाइल हो सकती है ग्राफिक डिजाइन हो सकता है पेंट फिर फिल्म का ख्याल कैसे आया कि मुझे फिल्म एंड टीवी में जाना एनसीए की डिग्री इज कॉल्ड फिल्म एंड टीवी राइट फिल्म एंड टीवी फिल्म एंड टीवी क्योंकि मुझे तब तक यही पता था कि मेरे भाई का बाय द वे एक दोस्त था एयरफोर्स में जो एयरफोर्स छोड़ के एनसी आ गया था और वो आर्किटेक्चर की डिग्री कर रहा था उसने बताया कि ऐसे ऐसे इसको भेज दो इसकी तैयारी शैरी करवा के इसको करवाते हैं यहाँ पे तो मैं जब आया मैंने टेस्ट दिया उन्होंने मेरी ड्राइंग वगैरह देखी और ओवरऑल मेरे से पूछा चीज़ें वगैरह उन्होंने कहा तुम कहाँ उठ के आ गए एनसी में तो किसी को नहीं लेते ऐसे ही मतलब ये तुम देखो तुम्हारी तो बच्चों जैसी ड्राइंग तो मैंने देखी जब वाकई में कि लोग फिगर ड्राइंग कर रहे हैं कुछ बंदा पूरा पूरा बना रहे हैं वो सामने बैठा तो मैं वाकई मैंने कहा अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ तो फिर मैं वापस चला गया सरगोधा और मैंने एक साल फाइन आर्ट्स किया सरगोधा यूनिवर्सिटी से ताकि मैं उस साल वो ज़ाया ना करूँ कुछ ना कुछ करता रहूँ उसकी फ़ाइन आर्ट्स के अंदर ही फिर मैं अगले साल दोबारा आया तो जब मैं दोबारा आया तो उस वक्त यहाँ पर एक सीनियर थे जिन्होंने जो अपना थीसिस शूट कर रहे थे उन्होंने कहा हमें एक्स्ट्राज चाहिए तो कोई लड़कों को ले आओ मेरा एक सीनियर था उसने कहा यार वो एक फिल्म शूट हो रही है तो चलना है साथ इधर ही ग्वाल मंडी में मैंने कहा चलो गुंडे नहीं ऐसे ही बस कुछ गली में गुस्से में कोई हेल्प शेल्प मतलब कि कोई चीज उठवा दो आई थॉट सीन के अंदर एक्स्ट्रा जूनियर एक्टर उन्होंने एक्स्ट्राज बनना था मुझे उन्होंने कहा कोई हेल्प शेल्प करा देंगे तो वो गुंडे बने हुए थे वो फुल गनशल लेके उधर ग्वाल मंडी में खड़े हुए हैं और मैं साथ हेल्प शेल्प करा रहा हूँ मुझे अभी भी याद है कि मैं उन दिनों में ही नया नया बिल्कुल ताज़ा ताज़ा जो है ना इस बारे में पढ़ ही रहा था फिल्म के बारे में चीज़ों के बारे में कि ये क्या है और फिर जब मैं उधर शूट पे गया और जब मैंने देखा मैं सुबह 4-5 बजे तक वहाँ रहा हूँ वो सब वापस आ गए मैं वापस ही नहीं गया मैंने कहा ये तो यही तो है जहाँ पे मैंने आना था मैजिक तो खैर उसके बाद मैं जाके सर्च करता रहा तो फाइनली आई थिंक रिसर्च के बाद मुझे समझ आई कि सिनेमेटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है फिल्म भी बल्कि उसके अंदर डिटेल में जाएं तो सिनेमेटोग्राफी एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर ड्राइंग भी आती है जिसके अंदर ये सारी मेरी फिल्म देखने वाली चीज़ें भी आती हैं पेंटिंग लाइट टेक्स्चर जो कुछ मैं ड्रॉ करता था जो खींचता था जो देखता था वो सब इसके अंदर मैं बता सकता हूँ बगैर बोले जब मैंने सेमेस्टर पढ़ाया था सेकंड ईयर में थे ना उसमें आपके जूरी लगा मतलब वो तो क्लास भी बहुत ही तुम लोगों की तो खैर मतलब एक तूफानी क्लास थी इतने मतलब टैलेंट की भरमार उसके अंदर बट आई थिंक उतनी क्लैरिटी मैंने बहुत कम लोगों में देखी है जैसे मुझे ये पता था कि चंद जो फेवरेट्स थे मेरे यू वर वन ऑफ देम कि तुम लोगों को ये बड़ी मतलब उस सेकंड ईयर में भी यू न्यू कि मुझे सिनेमेटोग्राफी करना ये क्लैरिटी मैं इंटरव्यू देने जब आया था तो उन्होंने मुझे पूछा था कि फिल्म तो करने आ गए हो क्योंकि वो इंटरव्यू में पूछते हैं डिटेल में कि वाकई में आ रहे हैं या बस ऐसे ही कहीं दाखला दुखला नहीं मिल रहा तो उन्होंने कहा कि तुमने क्या करने आ गए इस चीज़ को स्पेशलाइज किस चीज़ में करना है तो मैंने तब भी बोला था कि मैंने डीओपी बनना है और डीओपी करना है तो ये पता था तो मैंने उधर फोटोग्राफी भी दिखाई अपनी कि ये मैं उधर गाँव में इधर उधर घूम फिर कर जो तस्वीरें खींचता था ये वो है फिर उन्होंने मेरे से सवाल पूछे कि ये क्यों खींची थी ये किस लाइट में खींची थी किस टाइम में खींची थी क्या ऐसी मोटिवेशन थी खींचने की कि तुमने इस बंदे को खींचा है तो जब वो मेरे से सवाल भी पूछ रहे थे तो मैंने कहा वाकई में कि मैं इस इंटेंशन से नहीं कई दफ़ा खींचता लेकिन मैं खींच लेता हूँ अगर मैं उसको बाद में देखूँ तो उसके अंदर काफ़ी कुछ ऐसी डिटेल है कि ये बूढ़ी बैठी हुई थी इसकी क्या स्टोरी हो सकती है क्या सोच रही होगी तो वो सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मिली फिर से कि आर्टिस्ट का अपना प्रोसेस जरूरी नहीं है कि उसको समझ आ रहा हाँ तो बहुत सी चीज़ें सबकॉन्शियस और सबकॉन्शियस से भी नीचे से शुरू हुई ऐसे ही मतलब आपकी आंख जो देख रही है वो आपको नहीं पता कैसे इधर खड़े होकर क्यों देख रहे हैं इस खास लाइट में क्यों देख रहे हैं पहली चीज़ मैंने देखी वो जन्नत वाला वीडियो आपने बल्कि शॉर्ट फिल्म की जूरी लेने आए थे सेकेंड ईयर में हमारी एक कालक शॉर्ट फिल्म थी आपने वो देखी थी और उसकी आपने काफ़ी तारीफ की थी और वो उस दिन मुझे अभी भी याद है क्योंकि क्लास में हमारे नहीं पता होता था कि कौन क्या कर रहा है उस वक्त ये होता था फर्स्ट ईयर है
तो डॉक्यूमेंट्री या सब अपना अपना काम कर ही रहे हैं। तो पहला सेमेस्टर था जिसमें फिक्शन हमें मिला था, उसकी आप जो जूरी में आए थे और आपने कहा था कि इसी तरह, मुझे अभी भी याद एग्जैक्टली, हमजा वगैरह सब वो जो छोटे बच्चे वाली टायर वाली टायर वाली वो थे, तो आपने कहा था यूरोपियन फिल्म को, इस तरह से आपने मुझे कुछ कहा था। और वो मैं उस वक्त बहुत ज्यादा अंदर से एक इमोशनल वो भी था, और फाइनली मुझे कोई किसी ने पहली दफा इस तरह कहा था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे अभी भी याद है, मुझे मैम नरीमान हमारी होती थी, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया, उन्होंने कहा तुम कहाँ गायब थे 1.5 साल से, कि तुम अब निकले हो आके। तो मैंने कहा कि मैं चाहता था कि काम से ही कोई मुझे बोले डीओपी, ताकि मैं पूरा साल लिए ना कहता हूँ मैं डीओपी बनना डीओपी बनना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अच्छा देर आए दुरुस्त है। फास्ट फॉरवर्ड ऑफ द बात, बहुत सारे ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन के बाद मतलब आई एम श्योर यू वर वेरी हैप्पी एंड प्राउड माशाल्लाह। म्यूजिक वीडियोस टीवीसी नहीं किए, नहीं किए, फैशन फिल्म्स की, फैशन की तक शॉर्ट बहुत तय कर लिया कि टेलीविजन नहीं करना। ये भी एक क्लैरिटी तुम सब लोगों की जो है ना मुझे बहुत एनवियबल लगती है। तो क्विकली सिर्फ टीवी से मसला क्या है, मेरे साथ किया एक सीरीज की, लेकिन वो भी मतलब आई थिंक इट वाज नॉट एग्जैक्टली लाइक टीवी। आखिरी स्टेशन हमारा पहला कोलैबोरेशन था, ऐसे ही टीवी, व्हाट बॉदर्स यू अबाउट टीवी? अच्छा, मुझे एक और चीज़ होती है कि करके पहले देखना है, मतलब मैं किसी चीज़ को ऐसे बैठ के बोल दूँ कि नहीं अच्छा, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि मैं, जैसे फैशन भी या कुछ भी टीवीसी भी हो गए, ये सारे मैंने एक एक दफ़ा करके देखे हुए हैं, उसके बाद डिसाइड किया। यहाँ तक कि इवन बहुत पहले की बात है, मुझे किसी ने वेडिंग का भी कहा था जब मैं NCA तब आ रहा था, तो मैं तब वो भी करके देखा हुआ है, ताकि अगर ना करना है तो आपके पास कुछ हो कि क्यों मेरे अंदर से एक चीज़ नहीं फोर्स कर रही उस तरफ। तो टीवी का मुझे और टीवीसी का मुझे दोनों का ये लगता था कि पता नहीं, मुझे जैसे बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पसंद थी, कि जैसे मेरी फाइन आर्ट्स का एक बैकग्राउंड है, उसमें क्या होता था मैं अकेला बैठ के कमरे में ड्रा करता था, कोई मुझे कुछ नहीं कहता था। आहिस्ता आहिस्ता जब मैं इसके अंदर आया तो मुझे बड़ा कॉम्पैक्ट क्रू पसंद था, तीन लोग खड़े हैं बना रहे हैं बस, कोई ना हो, तो इसलिए हम चार चार चीज़ें कर लेते थे। काश के एग्जैक्टली ये आपने एक छोटी सी एक कॉम्पैक्ट सी खामोश सी खामोश सी दुनिया हो, ये आपने भी उस दिन इंटरव्यू में बोला था, और मैं तब भी मेरे माइंड में चल रहा था कि किस तरह ये भी एक कॉन्फिडेंस और ये भी एक चीज़ बनानी पड़ती है कि 100 लोगों के साथ कैसे काम करना है, जब आप सारे लोग आपका फ्रेम देख रहे हैं बैठे, तो वो क्या एंजाइटी है। तो शुरू में मुझे अभी भी याद है, कोई बुलाता था टीवीसी के लिए, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी अगले दिन का ये सोच के कि यार ये सारे खड़े होकर देख रहे होंगे, और हर बंदा कोई ना कोई बोल रहा होगा यार इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, तो उससे मुझे थोड़ा सा मसला था। फिर मुझे अभी भी याद है आखिरी स्टेशन का, जैसे मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उस तरह था कि टीवी के अंदर जाके भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें अप्लाई की कि नहीं टीवी बुरा नहीं है, बट आई थिंक बनाने वाले शायद तरीका फ़र्क है, बाकी टीवी या कोई ऐसा जो वो है ना प्लेटफॉर्म, वो मुझे नहीं लगता कि बुरा है। बेशक आप उसको टीवीसी भी कह लो, टीवीसी भी बहुत अच्छे दुनिया में बनते हैं, लेकिन आई थिंक वो है कि अगर अच्छी टीम हो, लोग समझने वाले हों, तो वो किसी भी आई थिंक मीडियम को, किसी भी चीज़ को चेंज कर सकते हैं। हाउ मच डू यू बिलीव इन वाइब्स? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैं कई दफ़ा सेट पे किसी की एक बात से भी कई दफ़ा इतना ज़्यादा ऑफ हो जाता उस वक्त, या वाइब नहीं मैच कर रही थी तो उसका फ़र्क एक रिजल्ट निकलता था कि हाँ, और एकदम कोने में कहीं जंगल में अकेला फिर रहा है, तो कहता था अच्छा कुछ हुआ है, और आप तो पूछते, मैंने कहा यार आज मैंने डांटा था मेरी वजह से तो नहीं, फिर मुझे पता था कि नहीं, जब मैं डांटता हूँ तो मुझे पता है कि आके मेरे से बात कर लेता है, तो वो कोई वाइब पिक करके। मैं वाइब से इसलिए कनेक्ट करना चाह रहा हूँ कि ऑनेस्टली मुझे नहीं याद कि मेरे दिल में एक श्योर शॉट ख्याल आया कि जब ये फिल्म मटेरियलाइज हो रही थी दैट यू हैव टू बी द DOP, एंड इट वाज जस्ट द वाइब, लाइक बिकॉज वी गिव इवन योर वर्क इट्स ब्यूटीफुल, योर आईज ब्यूटीफुल, बट और रेंज बहुत है उसकी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बस ये लगा कि इसकी आँख से पिक्चराइज होनी चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन टू कमली, कमली फर्स्ट थॉट्स, लाइक फर्स्ट डे, आई रिमेम्बर वी हैड अ, मैंने ओरली सुनाई थी कहानी या क्या किया था या पढ़ी, और साथ फिर उसके बाद आई थिंक म्यूजिक वगैरह उसके बाद सुनाया था, पहले वैसे ही बताया था, फिर स्क्रिप्ट यू, फिर स्क्रिप्ट के, आई मीन व्हाट वर योर फीलिंग्स, आई एम जस्ट सेइंग कि एक नॉट के ओ अच्छा फिल्म बनी, बट लाइक वाज इट स्केरी या वाज इट हैप्पी,
moment? Was it a nervous moment? अच्छा ये आपने why took your time to say yes? ये मुझे याद है. नहीं 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 कुछ मतलब तीन चार दिन तो लिए कि नहीं. No four and हाँ हाँ अच्छा. I was sure. मैंने शायद मतलब आपने time लिया शायद. Not at all. कि मैंने सही फैसला. Not at all. नहीं नहीं मैंने तो foreign कह दिया था. मैंने तो आप पे छोड़ा था कि आप क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी कोई इस तरह की चीज़ हो तो मुझे लगा मैं ना कहीं जल्दबाजियों में आपको बार बार कहता रहूँ तो मैंने कहा आप सर बताएं कब करना है ये और कब स्क्रिप्ट आएगा और सारी चीज़ें. This was many months before we started film. वाइब वाली ही बात मैं इधर करूँगा कि उस वक्त भी मुझे लगता है कि मुझे ये डर नहीं था फीचर फिल्म का या बड़े स्केल का या कुछ या कहाँ शूट होनी है कुछ नहीं था. वाइब वाली बात है कि अगर ऐसे लोग निकले हों बनाने के लिए करने के लिए तो मुझे इतना ज़रूर पता है कि हो जाता है काम. तो मुझे ये था कि अच्छा मतलब आप कर रहे हैं पहले तो ये वाला ट्रस्ट कि मतलब बिला वजह नहीं आप कर रहे हैं कोई भी चीज़ कोई ना कोई रीज़न होती है कोई ना कोई चीज़ है कोई कहानी सुनाने लगे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ है फिल्म में स्पेशली. तो मुझे खुशी ये थी कि मैंने इससे पहले कोई फीचर फिल्म नहीं की हुई कोई ऐसा बहुत कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था लेकिन ट्रस्ट वाली वही चीज़ कि आपने वो ट्रस्ट किया वाइब मैच की उस तरह से कि आई थिंक ये कर सकते हैं. तो मुझे लगा वो ही कॉन्फिडेंस मैंने अपने आप को भी दिया कि अगर किसी और ने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस किया है तो आप भी अपने आप को आप डाउट में ना डालें और आप अपने आप को कहें कि कर लेंगे हो जाएगा. तो मुझे कमली के अंदर स्टोरी में जा सकते हैं हम लोग अभी अब जा सकते हैं मतलब उस टाइम हाँ वो वाली चीजें नहीं जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं 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 सीन खोल के नहीं 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 वो नहीं. मैं वैसे बताना चाह रहा हूँ कि मुझे वाकई में अगर मैं उसके बाद भी सोचूं तो मुझे फिजिकल कोई चैलेंज इतना ज्यादा नहीं लगा उसमें एक्चुअली में क्योंकि मैं इससे पहले फिजिकल चैलेंज वाली जो चीज़ है वो थीसिस के अंदर भी कर चुका था. आई रिमेम्बर योर बहुत एक एग्जैक्टली वो बहुत टफ थी और उसके अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल वगैरह करता रहा हूँ ट्रैकिंग करता रहा हूँ हाइक वगैरह तो कैंपिंग वगैरह की हुई है बहुत ज़्यादा इस तरह चीज़ें. तो मुझे ये वाला तो था ही नहीं डर बिल्कुल भी. मुझे लगता है कि मेरे साथ एक जो मुझे लगता है जो चीज़ रही थी वो यही था कि मैं हाजिर रहूँ बस पूरी फिल्म में कि मेंटली प्रेजेंट रहूँ. हाँ तो बस वो मुझे फिल्म का प्रोसेस इतना स्ट्रेंज होता है कि पैसा दिन शेड्यूल एंड आई न्यू कि मतलब आई विल एडमिट इट टुडे कि आई थिंक कई दफ़ा मुझे अफसोस हो रहा होता था कि काश मेरे पास थोड़ा और वक्त होता बिकॉज आई न्यू दैट योर माइंड वाज वर्किंग कि इसको शायद अब जो हमने शॉर्टलिस्ट की हुई है उससे फर्क हम कर लें कि ज़्यादा अच्छा हो जाए. बट देन आई न्यू कि ये एक भी दिन के एक्स्ट्रा शूटिंग के पैसे नहीं है हमारे पास. आई वाज लाइक सो कई दफ़ा आई थिंक वो मेरे कहीं कॉन्शियस में है कि मैंने वो ज्यादा की हुई है कि नहीं वैसे बट वो ये डिसाइड हुआ था ये ऐसे ही. लेकिन ऑनेस्टली मुझे अब सोच के लगता है वो अचीवमेंट भी है उस टाइम पीरियड के अंदर करना क्योंकि दो साल अगर फिल्म बनाते रहेंगे शूट करते रहेंगे तो वो तो आप एक कम्फर्ट जोन में कर ही सकते हैं लेकिन एक टाइम पीरियड के अंदर रहते हुए उस लिमिट्स के अंदर रहते हुए करना मुझे लगता है वो हो सकता है हम अगले 50 साल भी करते रहें तो हमें वो एक परफेक्ट सिचुएशन ना मिले तो वो हर लिहाज से चैलेंजेस डिफरेंट होंगे. एंड फॉर यंगर फिल्म मेकर्स आई आल्सो फील कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वही बात कि हमारे जहन में दिल में बहुत कहानियां होंगी बहुत आइडियाज होंगे राइट. हम सब श्योर जो क्रिएटिव लोग हैं वो हर वक्त एक उसमें होते हैं यू नो लाइक इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स के कुछ बदल रहे बट उस चीज को एग्जीक्यूट करना और उसकी प्लानिंग करना इज वेयर वी ऑल हैव टू इवेंचुअली अराइव मतलब उसके बगैर तो नहीं होगा. मतलब वो दिल में रह गई तो वो तो नुकसान है हमारा भी और उन लोगों का भी जो हमारा काम पसंद करते हैं. कमली का कोई एक ऐसा सीन या कोई ऐसी चीज जिससे यू कनेक्टेड इंस्टेंटली जिसने डिफाइन किया कि मैं कमली को किस तरह शूट करूंगा मतलब व्हाट वाज दैट या इफ देयर वाज मोर देन वन लाइक वो क्या डिसीजन थी बिकॉज आई नो कि हम शॉर्टलिस्टिंग और वो सब चीज़ें तो हम मिल के कर रहे थे बट आई स्टिल न्यू कि यू हैड अ वेरी क्लियर जब हम बैठना शुरू हुए तो यू वर वेरी क्लियर कि मुझे क्या करना है. व्हाट वाज दैट वन सीन व्हिच डिफाइंड द सिनेमेटोग्राफी ऑफ कमली फॉर यू. आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ऐसे मोमेंट्स थे बट वही वाली बात है कि आई थिंक एज अ DOP या जो भी आई थिंक कोई वो जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है तो विजुलाइज कर ही रहा होता है. मुझे लगता है बाकी भी यही कर रहे होते हैं. मेरा तो है ही कि मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो साथ ही
इसलिए मैं बहुत टाइम लगता है जब भी कोई स्क्रिप्ट देता है वो अरसे तक मेरे पास पड़ा रहता है, मैं जब पढ़ने लगता हूँ तो मेरे दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ कि शिट मुझे डिस्ट्रैक्ट करके इसको पढ़ना है एक दफ़ा, क्योंकि वो साथ साथ आप बनाते रहते हैं सीन्स के, वो अच्छा ये जगह है ये इस जगह पे है, तो वो तो मुझे लगता है फ़ौरन कनेक्ट कर गया था, क्योंकि मुझे लगता है लोगों के अलावा और कहानी के अलावा जगह की भी एक वाइब है के कैरेक्टर है, तो वो हमारी फिल्म में तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा एक कैरेक्टर वो भी है, लैंडस्केप जो है उस जगह का वो भी ये कनेक्ट करता है, फिर लोग कनेक्ट कर रहे हो, कहानी कनेक्ट कर रही हो, गाने भी कनेक्ट कर रहे हो, जगह भी कनेक्ट कर रही हो, तो वो तो मुझे लगता है कि एक एक, एक पूरा पैकेज एक वो मिल गया था हर लिहाज से मुझे कनेक्ट करने का। गाने वाली बात से मतलब आज एक और कन्फेशन करूँ कि कई दफ़ा ये भी होता है कि आप मफरूज़े बना लेते हैं ना सिर्फ गानों की प्रेजेंस की वजह से, बहुत सारी डीओपीज़ ने कहा नहीं हम गानों वाली फिल्म नहीं करते एक दो लोगों से मैंने जब बात की मैंने कहा मेरे दिल में आज मैं निकाल दूँ। नाउ कमिंग टू कमली, नाउ ऑफकोर्स मुझे लगता है कि शोर 100% ऑडियंस शायद हर चीज़ पिक ना कर रही हो, लेकिन वो भी एक स्क्रीन से एक एनर्जी लेते हैं, पीपल आर नोटिसिंग कि शॉर्ट साइजेस कैसे बदल रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट टू द थर्ड एक्ट, राइट? वो फिल्म जो एक एक्सपैंस के ऊपर मबनी है वो आहिस्ता आहिस्ता कैसे वो तंग होती जाती है, इवन लाइटिंग आई नो हाउ फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड यू हैव वर्कड ऑन इट इन अ स्टोरी टेलर, बिल्कुल वाइब्रेंस से बिल्कुल, राइट? सो अगेन ये प्रोसेस I would really want to know a little bit more कि मतलब वो क्या मतलब वो organically हो रहा था जब हम pre-production की मैं बात कर रहा हूँ, or were you thinking of other references? I know एक हमारा mutual मोहब्बत is Tarkovsky, yes और no doubt वो ही हमारे दिल में ख्वाब था कि अच्छा but not that कि गुलाबे में मिलाना चाहता हूँ, मतलब एक दो हमारे friends हैं मुझे वो कभी मैंने ना खुद के करीब देखी, लेकिन बस वही जो मेरा वो है ना मुझे एक थोड़ा फौजी स्टाइल के अच्छा हर चीज़ एक उसमें होती है, तो मैं वो लोग को कभी उस दिन मुझे नजर आई मैं घर ले गया उठा के तो मेरा बिल्कुल फर्क है हाँ मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ रहा था तो मुझे गाने फील नहीं हुए, मतलब मुझे लगा कि सीन्स ही हैं ये भी, अब मैं फिल्म भी देखता हूँ तो मुझे लगता है उसके अंदर से अगर गाने निकाल दिए जाएँ और वो सीन्स ऐसे ही रहें तो वो भी एक पूरी केमिस्ट्री है उनकी पूरी, आहिस्ता आहिस्ता उनका रिलेशनशिप है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, तो वो मुझे लगा कि कहीं पे भी लगा नहीं कि वो बिला वजह गाना है कि बस वो अब ब्रेक आई है अब गाना है तो अच्छा अब गाने के बाद प्रॉपर दोबारा स्टोरी शुरू होगी। और दूसरा आपने ख़ुद भी आई थिंक किसी जगह पर कहा था कि इस पूरे खत्ते का ये जो म्यूज़िक है वो बहुत एक रहा है हमारा पार्ट, क्योंकि मैं ख़ुद बचपन से बेशक वो पंजाबी गाने हों बेशक वो इंग्लिश गाने हों जो भी हो मतलब वो हमने सुना है बहुत ज़्यादा सुना है और उसके साथ हमारी बड़ी एसोसिएशन है, मतलब मैं जैसे मतलब बहुत ज़्यादा अकेले टाइम अगर गुजारा है तो म्यूज़िक ही होता था उस टाइम में, आप म्यूज़िक सुन रहे होते थे, आप एक तरह से आपकी कंपनी है म्यूज़िक, तो मुझे लगता है कि वो म्यूज़िक बड़ा इस फिल्म का बड़ा ज़रूरी एक पार्ट है, तो म्यूज़िक का मुझे कहीं फील नहीं हुआ। आई थिंक पानी में आई थिंक वो स्ट्रेस बहुत था, स्ट्रेस था, वी वर यूजिंग गोप्रो एंड देन वी वर यूजिंग आवर चेंज भी कर रहे थे वो जगह, बीच में वो ड्रोन कैम भी है, मुझे भी बहुत एंजाइटी होती थी उससे, बहुत ज्यादा था मैच कैसे करेगा स्पेशली आपको दिखा नहीं पा रहे और अंडर वाटर तो एग्जैक्टली मुझे लगता है साहब का पूरी जिंदगी अंडर वाटर करते थे, बहुत देर चलता रहा था दिन, मुझे लगता था आज कोई पिकअप है हां अंडर वाटर दोबारा कर रहे हैं। और दूसरा एक और चीज भी ना कि फ़र्क आता है, जैसे ही एक एक बड़े फॉर्मेट से छोटे फॉर्मेट पे गए हैं वो भी एक चैलेंज है कि किस तरह उसको मैच करना क्या रहना, जो कि अभी भी वो थोड़ा सा फील होता है आपको कि आपके पास नहीं है वो स्टूडियो पानी वाले जिसके अंदर आप बड़े कैमराज लेके जाएं और शूट करें, लेकिन काश कोई जाने हमारी कोई हमारी गुर्बत के बैठा पानी वो स्टफ टू शूट। आप एक विजुअल उसकी वो क्या ऐसी लैंग्वेज जब सोच रहे थे तो वो क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स थे, कोई दिमाग में रेफरेंसेस आ रहे थे, लाइक व्हाट मेड यू डिसाइड कि मुझे कमली यूं शूट करनी है और यूं लाइट करनी है?
अच्छा, जब आई थिंक मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था और उसके बाद हम लोग रेफरेंस देखना शुरू हुए थे और हमने कहा था कि चलो कुछ हद तक देखते हैं, बट वो वाले रेफरेंस देखते हैं जो मतलब बहुत ही पुराने रेफरेंस, मतलब कि जिन्होंने हाँ अनकन्वेंशनल वाले, सत्यजीत रे या तरकोस्की या वो वाले, तो वो भी हमने एक पॉइंट तक देखे, उसके बाद हमने कहा था अच्छा ये चैप्टर क्लोज कर देते हैं, बस की बात, कुछ बस की बात भी और कुछ हम बस इंस्पायर होना चाहते हैं, देखते हैं। हाँ तो मुझे याद है अभी भी आपको बड़ी पिक्चर्स वगैरह भी बीच में कुछ दिखाता था, कोई मतलब जो मैंने नॉर्थ में खींची हुई है, कोई कहाँ खींची हुई है, इस तरह का वो यूज हो सकता है, फ्लॉ हो सकता है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी बात करने लगे, लेकिन मेरे साथ एक थोड़ा सा मसला था प्री वाला, पहले प्रोजेक्ट्स में शुरू में, कि मैं प्री पे नहीं इतना ज़्यादा ध्यान देता था, मैं सेट पे जाके ना मुझे ज़्यादा मज़ा आता था कि अच्छा देखते हैं इस जगह पे क्या बना सकते हैं, मैं इधर आया हूं, मैं देखी एनर्जी, कि मैं यहाँ की एनर्जी देखूंगा, यहाँ की लाइट देखूंगा, क्योंकि मैंने सोचा तो कुछ और होगा। तो ये एक चैलेंज भी था जो कि आपने जो पहले प्लान किया हुआ है फिर वहाँ जाके आपको कुछ और नज़र आ रहा है, तो आपने आपको कैसे फील ये वाला कराना कि नहीं अब ये शूट करना है। तो मुझे लगता है कि कमली की जो, अगर तो लोगों को समझ आ रही है कि इसकी कोई विजुअल लैंग्वेज है या अगर कोई इसके अंदर सोच के वो बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि आधा प्री प्लान तो है ही है, लेकिन मोस्टली हम सारे आई थिंक इतने ओपन थे कि जो उस सिचुएशन है हमने ये नहीं कहा आप कल आएंगे, गिवन टाइम के अंदर हमने किया, धूप हो जैसा भी हो, लेकिन हमने कहा कि नहीं अब इसी टाइम के अंदर रहते हुए हम इसको करते हैं। तो वो फिर खुद ही आई थिंक बनती जाती है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है क्या लेंजेज हैं, क्या शॉट साइजेज हैं, क्या लाइट थ्रू आउट रखनी है, वो जो कंसिस्टेंट एक फिल्म फील हो ना अगर आपको, कि ये ना हो कि बिल्कुल पहले सीन कुछ और था, बीच में जाए कुछ और हो गया, तो मुझे लगता है वो है। अब जब मैं वो याद करता हूँ रेकी ट्रिप्स के अंदर, हम सब मतलब सभी फोन पे अपनी अपनी फुटेज लेकर आते होते थे, बट आई वुड ऑलवेज रिमेंबर कि अवैस को अपनी फुटेज बना मैं फातिमा और सुंदुस के साथ, आई बी लाइक अच्छा ये ब्लॉकिंग यूं हुआ करेगी, आई रिमेंबर सबसे फनी वो थे, वो फुटेज मुझे चाहिए, वो जो हम गानों की ब्लॉकिंग करके फातिमा और सुंदुस आमतौर पर अमलताज कभी माजिद भी होता था बीच में, आई रिमेंबर। लेकिन वो ही कि आई थिंक यू आर अ वेरी मेडिटेटिव पर्सन व्हेन इट कम्स टू योर प्रोसेस, मतलब और एज एन आर्टिस्ट आई फील आपको अपना एक अलोन टाइम चाहिए होता है जिसमें आप खुद ही कुछ डिसाइड कर रहे होते हैं। बट नाउ ब्रिंगिंग इट बैक टू कि अब तो आर्ट एक तरफ होगी, अब इतनी बड़ी एक टेक्नोलॉजिकल ये गेम है जिसमें द लेंसेज, द कैमरा, द लाइट्स, the money that we can spend or not spend, you know, and then handling a crew jisme I think you were the youngest, like apne in the camera and light department, I think in terms of experience also you were the youngest, and otherwise what was it, were you nervous at some point, matlab just kyunki mujhe yaad hai ki mujhe kai dafa hota tha ki main piche aake bas kamar pe jo chhota sa mukka hi hota tha ki no you are the head of this team, yes. How was that like, and from I can tell that from day one to day last क्योंकि मुझे अभी भी याद है शुरू में मेरा तरीका एक बिल्कुल फ़र्क था कि लोग प्यार से खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा मैं कहूँगा किसी ये आपको एक लेसन अब्बा जान जो फौज में रहे उनसे लेना चाहिए था कि सही बात सख्ती थोड़ी सी। मुझे याद है जब आपने मुझे फिर बुला के कहा कि नहीं तुम्हें चार्ज लेना पड़ेगा इस चीज़ का, तो उस दिन जब मैंने पूरे क्रू को शूट शुरू होने से पहले पूरा इकट्ठा किया और मैंने उन्हें एग्जैक्टली ये वाली बात की कि मैं, मेरे से बहुत बड़े लोग हैं इसके अंदर, एक्सपीरियंस लोग हैं, मैं डांटता हुआ नहीं अच्छा लगता, तो एक छोटा लड़का आपके सामने खड़ा डांट रहा हो, लेकिन यह है कि हर बंदा अपनी जॉब करने आया हुआ है और उसके वो पैसे ले रहा है, किसी की फैक्ट्रियां चल रही हैं यहाँ पे, उन्होंने कहा नहीं चल रही, मैंने कहा किसी का और धंधा, उनका नहीं चल रहा, तो मैंने कहा फिर ये जो काम करने आए हैं वो तो हलाल करें। तो मुझे अभी भी याद है उससे फ़र्क पड़ा, मतलब जो कि बड़ी बात है उससे भी फ़र्क पड़ा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा ज़रा ऑब्वियसली एक टोन एक पॉइंट ऊपर कर देना आवाज़ से, उसमें वो नहीं है कि किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप हाँ, लेकिन ये है कि आप उसको कह रहे हैं कि टाइम पे चाहिए एक चीज़, कि जहाँ पे वो 5 मिनट में पहुँच सकता है वहाँ 2 मिनट में भी पहुँच सकता है, तो इस तरह मुझे लगता है कि जो टाइम था कमली के अंदर वो बहुत ही ज़रूरी था, कि 5 मिनट से कैसे पूरी पूरी चीज़ चेंज हो जाती थी, लाइट चेंज हो जाती थी, मतलब बादल आ जाते थे सूरज के आगे, तो वो काश था वो एग्जैक्टली उसके अंदर यही हमें बिल्कुल लेफ्ट टू राइट पूरा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ा, तो हम ब्लॉकिंग करके पहले रेकी में गए थे, वो बिल्कुल चेंज हो गया पानी के अंदर, ये हुआ था दैट इज वेरी स्ट्रेस, बट वो
आई फील कि दैट दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू अंडरस्टैंड हु इज़ इन द सेम बिजनेस के ये सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिस्टिक विजन के अलावा आपकी नर्व्स का इम्तिहान है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का इम्तिहान भी होता है, और फिर वो सबको लेके चलना कोई दिल में कि मुझे अब मैंने कहीं पढ़ा सुना और देखा भी खैर उनका काम जब कि किरस्तामी यही चिट चढ़ी थी उनको तो उन्होंने करना ही चाहिए, मैं डिजिटल कैमरे पे कर लूँगा, उस जमाने में जब टेप होती थी बीटा कैम वगैरह पे जो उनकी फिल्म है 10 और 5 वो और वो गाड़ी में माउंट करके सिंगल टेक के अंदर बिकॉज ही जस्ट सेड यू नो लाइक आई वांट दैट इंटीमेसी टू माय स्टोरी टेलिंग एंड आई नो डीप इनसाइड वी बिकॉज यू पेंट ऑल्सो एंड यू आर मेडिटेटिव पर्सन. अच्छा जी, एक्टर्स कैन बी अनदर बिग चैलेंज sometimes yes. you know yes. and unki ek apni journey hai fir wo jo I think ek actor ki vulnerability hum nahi samajh sakte kai dafa jo camera ke peeche hote hain ki jab ek actor samne khada hota hai to bilkul usko aise lagta hai ki matlab aap aise hi aap bilkul matlab aap sabki nazar aapke upar hai ki aap bhulenge ki aap theek karenge kya isko sha. What was your matlab and you worked with actors before also but ye jo the aur jin type actors hai na sare. How was your as a and DOP has to work like there is a like I think with triangle wohi hai ki the DOP director and actor aise aise मुझे एक चीज़ जो सबसे पहले जो मैंने खैर जितना भी एक्सपीरियंस छोटा सा है मेरा जब मैं लोगों के सेट पे गया हूँ या मुझे जो एक चीज़ से बड़ी नफरत होती थी कि जो सेल्फिशली काम कर रहे होते थे सिर्फ अपने लिए कि हमारा फ्रेम सेट हो जाए हमें नहीं पता और क्या कर रहे हैं कोई क्या चल रहा है मुझे उससे बहुत मसला था कि मतलब मेरा फ्रेम तब तक कोई मैंने नहीं रखता जब तक उसके अंदर जो बंदा है वो कंफर्टेबली जो वो कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा. कमली में जो मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जो मैंने कोशिश की है कि एक्ट्रेस को ज़्यादा टफ टाइम ना दिया जाए इस चीज़ में कि वो बार 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 उन एनर्जी उनकी ख़राब होती रहे. कुछ जगहों पर था फिजिकल चैलेंज के लॉन्ग टेक्स हैंड हेल्ड है तो वहाँ पर कुछ रीटेक्स होनी पड़ी बट ज़्यादातर मेरा ये होता था कि उनको स्पेस दी जाए कि ये ना हो कि मार्क दे दिया जाए कि अच्छा इधर से इधर मार्क है ये टेप लगाई हुई है तो आपने बस यहाँ के खड़े होना है. उनके माइंड में सिर्फ वो चलता रहेगा कि टेप कहाँ पे है. तो मुझे ये था कि मैं इस तरह डिज़ाइन करूँ कमली के अंदर जो कि मुझे किसी ने देखी फिल्म उन्होंने भी यही कहा कि कैमरा सपोर्ट कर रहा था कैरेक्टर्स को. तो मेरे लिए बड़ी एक वो बात थी कि ये मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए बजाय कि कोई कहे कि प्यारा शूट हुआ है कि यार बड़ा अच्छा शॉट था. मुझे लगता है कि जब भी कभी हैंड हेल्ड मैंने किया कैमरा तो मेरा ज़्यादा कंट्रोल था उसमें कि मैं अब कैरेक्टर के साथ जुड़ गया हूँ कि उसमें वो लेट गए हैं मैं लेट गया हूँ साथ वो खड़े होकर चलना शुरू हो गया एग्जैक्टली जब तक कट नहीं आया तो वो मैं खुद से डिसीजन लेना शुरू होता था बीच में. जैसे मुझे अभी भी याद है सबा वाला जिसके अंदर ऑलरेडी आग का गाना है उसमें मुझे याद है उसमें याद है वो उसमें जो जेब वाला पार्ट आता है वो जो थोड़ा इमोशनल हल्का सा इमोशनल होती है वहाँ पे मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि इसको हल्का सा करना है लेकिन वो उस वक्त मेरे अचानक से माइंड में आया कि यहाँ होना चाहिए और मुझे करना चाहिए तो करना चाहिए. तो इस तरह की कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि अगर आप नहीं कनेक्टेड अगर आप वाकई में नहीं देख रहे कि अंदर जो बंदा है वो क्या कर रहा है तो आप फिर फ़र्क काम कर रहे हैं. क्योंकि फिल्म का काम ही मुझे लगता है जो अभी मुझे फिल्म देखने के बाद सिनेमा में जो खुशी हुई है वो ये है कि हमने एक कंप्लीट फिल्म बनाई है. सिर्फ मैंने एक फिल्म नहीं बनाई कि सिर्फ मेरा काम एक बीच में चमक जाए तो बाकियों का काम ना हो. तो मुझे लगता है साउंड ने एक्टर्स ने डायरेक्टर ने राइटर ने हर बंदे ने अपना काम किया है तो वो एक फिल्म नज़र आ रही है कि यार चलो कंप्लीट एक फिल्म देखने को मिली है जिसमें टेक्निकलिटीज़ लोग भूल गए और लोगों ने कहा हम पूरी फिल्म देख के बाहर आए हैं. एनीवेज आई थिंक वो ग्रेशियसनेस भी हमें जिसना कई दफ़ा आए लोगों के मतलब लाइटिंग के ऊपर जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा डीओपी को बैक सीट लेनी पड़ती है कि नहीं ये शॉट अगर मेरे से बहुत कोई मतलब दुनिया का आखिरी हसीन तरीन लाइट नहीं भी हो रहा बट दिस इज दैट एक्टर्स मोमेंट राइट नाउ जिस इमोशन में यहाँ तक पहुँच गया है या पहुँच गई है वो मोमेंट नहीं मिस होना चाहिए. तो इस वक्त अगर मुझे मतलब आई फील कि वो जो नहीं आप कहते कि वो क्या एक सोल होती है वो नजर भी नहीं आती वो कैसे कैप्चर होती है. आई थिंक कैमरा प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड डीओपी प्लेज सच एन इम्पॉर्टेंट रोल. मतलब मैं जब कभी कैमरे के सामने थोड़ा बहुत जो भी काम मैंने किया आई फील कैमरे के इर्द गिर्द के लोग उनका एक रेस्टलेस होना मतलब मुझे तो मॉनिटर पे मौत पड़ना शुरू हो जाती है कि कोई पीछे ऊंचे ऊंचे सांस ले रहा होता है क्यों ले रहे हो भाई मेरा फोकस खराब हो रहा है यू नो नो डाउट बट नो आई फील योर कैमरा हैज नॉट बीन जस्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल आई मीन द कैमरा वर्क
और वो सब नोटिस कर रहे हैं, आई मीन, और लोग उसको जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए उसको किसी से कंपेयर नहीं कर पा रहे. नोबडी सेइंग कि ये फलाने ड्यूटी जैसा है, नए पुराने या कोई भी, यू नो, बट दे आर अप्रिशिएटिंग कि ये एक एक नई आँख से बनी हुई चीज़ है. एंड दैट दैट रियली लाइक सेज समथिंग अबाउट योर अप्रोच. फेवरेट सीन सकलैन की यादें फेंकने वाला सीन है, डब्बे वाला. हाँ, पता नहीं क्यों वो सीन में उस वक्त करते हुए भी, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोसेस हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने उस वक्त एंजॉय कर रहे हैं उस करते हुए, तो बड़ा ज़रूरी है कि मुझे याद है मुझे भी दिन भी वो याद आ रहा, वो गेट से लेके वो हमने पूरी चीज़ें रखी क्योंकि वो एलिवेशन थे. मेरे लिए वो थोड़ा सा सिंपलर था इससे, हाँ, जो मैंने सोचा था. क्योंकि आपने कहा था इसको कट कर लेते हैं, मैंने कहा इसको कंप्लीट करते हैं पूरा. एंड देन आल्सो यू सेड कि वो नहीं, वो उसमें भी वही है कि यू नो दैट लिटिल ट्रैकिंग आई थॉट इट्स के बगैर कर लेते हैं, बट वो अनइवन थी. यू डिड दैट, इट स्टार्ट्स विद द मेन गेम. यस यस. और वो ब्रेक हो रही थी चीज उसके बीच में, जो सबा पूरी एनर्जी वो लेके आती है, वो पहली दफा आप देखते हैं कि सबा का कैरेक्टर भी थोड़ा सा चेंज होता है, काफी ज्यादा कन्फ्रंट करती है, तो उसको ब्रेक करना मुझे लग रहा था कि नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने वो पूरी एलिवेशंस को वो किया. फिर वो अंदर जाते हैं रूम में, रूम से वापस आते हैं फेंकने तक. मुझे क्या है अभी तक, क्या अगले दिन मुझे और फातिमा और सुंदर को याद आया कि उसने खाली ट्रंक नहीं उठाना था, उसने रेडियो और फोटो भी उठाया. तो कमरे में जो हमने मिस किया ना, वो कमरे में जाने के बाद वो कमरे में भी पूरा घूम के बाहर आ रहा था. तो आज तक मुझे, क्योंकि तस्वीर दूसरे कॉर्नर में लगी हुई है और रेडियो भी वहां पे. सो आई जस्ट फील कि वो ये लेकिन वो वाली हसरतें या ख्वाहिशें हैं, काफी चीजें वो नजर आ रही हैं. हां हां हां, ऐसे हम उसको शूट कर सकते थे क्योंकि हमने जिस तरह से उसको डिजाइन किया हुआ था. और दूसरा हार्ट वाला है, जैसे हार्ट में जब वो वापस आ, तो आई स्टिल फील, आई थिंक दोज आर फॉर मी एज अ डायरेक्टर आल्सो, वो वाली लीप ऑफ फेथ है जो मैंने तेरे कंधे पे चढ़ के ली हुई है. बिकॉज आई वाज लाइक श्योर, मतलब बिकॉज यू सेड कि नहीं लाइट नहीं है, मैंने कहा क्या मतलब मैं लाइट में इतना लंबा सीन है, मैंने कहा ये. एंड देन यू सेड कि अगर दरवाजे के करीब रहे, दरवाजे के अगर वो ना रहे, एंड यू लाइक इट डजंट मैटर ये सीन इसमें, लाइक वैसे कुछ भी नहीं इतना हाउ पॉल लेकिन वो. और उसकी अभी भी वैसे वो वाली टेक नहीं लगी हुई जो मेरी, अच्छा वो नहीं लगी हुई उसमें भी ड्यूरेशन, उसमें रिदम कुछ ऊपर नीचे हो रहा था. यू नो रिमेंबर देयर वाज अ टेक जिसमें उसका मुंह पकड़ के देन, हां हां, वो ऐसे ही वो उसमें, लेकिन उसमें और इस टेक में कम से कम 1.5 मिनट का फर्क था. और दैट वाज 1.5 मिनट लॉन्गर, व्हिच बिकेम अ चैलेंज इन एडिटिंग कि आप उसको जंप कट में ही काट सकते हैं. पता नहीं उसका और बड़ा जो चैलेंज था, वो जो दरवाजा था वो छोटा था, कद से मेरे काफी छोटा था. और मैं अगर आप सीधा जा रहे हो तो आप कर लें, आप बैक आते हुए आपको नहीं पता क्या, तो वो मेरे वो भी था कि अच्छा ये किस तरह पूरा वो कैलकुलेट करना माइंड में कि उससे हटके वो, मुझे लगता है वो भी एक कलक कोई अफसोस कि वो सीन मुझे टाइम और मिल जाता या हमने लाइट बेहतर कर ली होती या कुछ है जिसमें मुझे लगता है कि वो लाइट चली गई थी बट वो जरूरी थे करने. लेकिन अफसोस बहुत ज्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितने दिन हमें लिखे हुए थे उसी से आई थिंक उसी दिन हम वापस आ गए थे कंप्लीट करके. हमने कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं, मैं तो नदीम से पूछ रहा था क्योंकि मेरे ज़हन में तो 41 डेज थे राइट. और हम किस दिन, नदीम ने कहा 37 डेज हैं शूटिंग के हमारे. एग्जैक्टली क्योंकि बाकी वो मॉक और वो वाले हैं. मुझे अभी भी याद है क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो आपने कहा कि हमने एक दो दिन के लिए तुम लोगों का रखा हुआ है कि बी रोल वगैरह, तो किसी ने कहा कि हमने बी रोल बीच में कर लिए हुए थे तो फिर हम वापस जाएं, तो हमने कहा हाँ वापस चलते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा जो कि मुझे लगता है आपको बताना चाहिए इस जगह पे कि कैसे 40 डेज या अगर आपने माइंड में सोचे हुए हैं उसके अंदर काम करना कितना मुश्किल है. मतलब इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज़ मैं बात कर रहा हूँ कि चादर है ना भाई, बस कितनी पांव फैला सकते हैं. और वही बात कि अगर कोई सीन रह जाएगा इसका मतलब वो शूट नहीं होगा, और अगर जब पैसे आएंगे हो सकता है तब एक्टर अवेलेबल नहीं हो, जब आप मतलब यू नो देयर आर अ मिलियन फैक्टर्स. आई फील जैसे जब पानी का हमने वो अंडर वाटर वाला पिकअप शॉट्स लिए थे, तो बाल वाल वो शुक्र है पानी में गीले होकर पता नहीं चल रहा था, बिकॉज आई रिमेम्बर हमजा की लुक चेंज हो चुकी थी थोड़ी सी, सबा के बालों का कलर और लेंथ भी बदल चुका था.
मुझे लगता है फ्लो भी टूटता है हम लोगों का अपना, हम लोगों का इतना टूटता है जब बाद में दोबारा आते हैं, क्योंकि हम लोग जो दोबारा आए थे हमने कहा यार एक ही फ्लो में खत्म करते हैं इसको, वाइब नहीं रहती ना, वाइब नहीं कभी रहती ऐसे। सो गंदे वाले रैपिड फायर टाइप सवाल तो मैं नहीं करना चाहता, बट एनी एक्टर हु गेव यू अ मोमेंट ऑन कैमरा विच स्टेड विद यू, क्योंकि मुझे कई दफ़ा होता है कि आप मॉनिटर के ऊपर बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, लेकिन कोई एक आध मोमेंट होता ना जो आप गुम हो जाते हैं कि ये इस एक्टर ने जो आज कर दिया है, या वाज देयर अ मोमेंट फॉर यू व्हेन यू फॉरगॉट कि ये फिल्म बन रही है और कहानी है और ये नकली है सब हम इसको। आई थिंक सानियापा ने सानियापा के काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसके अंदर मैं मुझे लगा कि मैं सिर्फ ये ऐसे ही बस उठाया हुआ है इसको ना, और मैं इधर ही देख रहा हूँ फिल्म, तो वो काफ़ी जगहों पे ऐसा था सानिया के साथ। एक जगह पे तो ऐसा हुआ भी, मोस्टली मैं हैंडल कर रहा होता था, बट एक जगह पे ट्राइपॉड लगा हुआ था तो मैंने कहा कोई तो BTS कर ही नहीं रहा, कोई बिहाइंड द सीन कर ले मैं खुद ही कर लेता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे माइंड में उस वक्त आया, मैंने लिटरली यहाँ से अभी हाथ यहाँ लेके गया हूँ और सानियापा को उधर से मुझे आया नहीं, तो इतनी कनेक्ट थी और वो देख भी इस तरफ रही थी। एंड शी इज प्लेइंग अ ब्लाइंड पर्सन एंड शी सेज के हां मैं तो वही सानिया अपनी उनको विजन ब्लॉक करनी पड़ती ऐसे ही है, ऐसे ही शी वाज एक्चुअली सीइंग नोवेयर, और वो देख भी मेरी तरफ नहीं रही थी, और उन्होंने फिर भी मुझे वहां से कहा कि इस वक्त ये ना करो डिस्ट्रैक्ट, तो वो मुझे फिर फील हुआ कि वाकई में कितना हम लोग जुड़े हुए हैं, दैट सेंसिटिविटी इज बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। मतलब जिस तरह कैमरे के इर्द गिर्द जो क्रू अगर हिलता जुलता है, बहुत आपके लिए कितना होता था कि मॉनिटर पे कोई और ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं एक दफा आया था और मैं उसी टाइम पे गाइड कर रहा था किसी को, लेकिन आपने कहा कि ये इस वक्त एंजाइटी मुझे ना दो, बिकॉज़ आई फील कि इट्स सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ वही बात के आपको नहीं पता कि वो उस मैजिक का गुर क्या है, राइट वो कौन सी टेक है, आप उसको क्यों ओके कर रहे हैं, वो एक एक्टर का कौन सा नोट है जो सच्चा है और जो सच्चा नहीं है, राइट इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे। But in any case, Avais, this has been some journey, I feel. Yes, it is. It's a journey rahi hai. Main khayal hai aur kuch nahi, to isse hamari bahut achhi memories to attached. Memories, no doubt. And now all the love that you are getting. Yes, yes. Matlab mujhe to wahi kai dafa hota hai ki pure review ke andar and Mr. Avais Kohar ko tag kar kar ek lakh kar mujhe tag kar diya jata hai. But I think I am so proud. No, I mean, it's your film also. I'm just saying ki I'm so happy that this has been one of the most beautiful collaborations for me. Yes, yes. I feel हम सब की struggle भी थी, अच्छे बुरे दिन भी थे, डांट गुस्सा भी था, जिसके लिए I am very sorry. मैंने मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि but sometimes you know your behavior you regret. Like I still don't regret why I did it, but how I did it is what I regret definitely. वो जो एक shot out of focus जो मेरे दिल में आज तक regret रहता है, but in any case, but it's a journey. And I just hope कि you get to tell stories. नहीं मुझे लगता है कि अभी जैसे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं उसमें जो कुछ बातें हैं वो आपको फील होता है कि ये लोग दिल से लिख रहे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए या सिर्फ पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हाँ, बहुत दिल से लोग लिख रहे हैं वाकई में। मैंने नहीं मतलब मैंने honestly I've been around for good 22 years detailed review जो you can tell कि जब कोई बेख्तियार लोगों मतलब एक चीज जो by the way repeatedly हर एक की उसमें आ रही है how they say that the film stays with them yes and yes, I know that feeling because कुछ ऐसी फिल्में हैं जो कि मैं जब उनको रिकॉल करता हूँ मैं सोचता हूँ कि नहीं ये तो कोई बेहतरीन फिल्म मेकिंग भी नहीं है इनमें, बट दे स्टे विद यू, यू नो दैट इमोशन दैट जो भी आप कह लें उसको। एंड विद कमली लाइक विद मंटो आई रिमेंबर जो जिसका फीडबैक इससे पहले मतलब वाहिद मेरा रेफरेंस पॉइंट वही है, दे वुड टॉक अबाउट इट लेकिन एक डिस्टेंस से बातचीत होती थी कि हमें ये हुआ ये फील किया, बट इस दफा एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हाउ दे फेल्ट यस They're not talking about what it looks like, या इसकी visual या खाली surface क्या है. Everybody's saying, and I think I really don't know कि how did we achieve that. ये वही वाली बात है ऑनेस्टी वाली कि जितने ऑनेस्ट हो के आप बनाते हैं मुझे लगता है कि कोई भी फिर काम करो उसके अंदर इमोशन आ ही जाते हैं आप क्योंकि उस पता नहीं किस टाइम से आप गुजर रहे हैं क्या क्या कुछ चल रहा है क्या क्या गुजरा हुआ है पहले जैसे मुझे वही किसी ने कहा पहली फिल्म आपने इतनी वो बना दी तो मुझे फील होता है कि पहली फिल्म है लेकिन मतलब मेरी पूरी ज़िंदगी की एक जर्नी भी तो है Absolutely. वो बीच में जो मैंने पूरी ज़िंदगी आंखों से देखा है वो Absolutely. कैमरा नहीं था बट फिर भी आंखों से तो मैं Absolutely. और जंगल वाली एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वो बात भी थी कि बचपन में मेरा बहुत टाइम अटक में हम लोग का एक जंगल होता था पास में
मेरा वहाँ गुजरा हुआ है अकेले, मैं जाके बस बैठ जाता था। यू वर हिना, मतलब मैं क्या बोलता हूँ, और अमलता। हाँ, तो मेरा बहुत सारा टाइम उधर गुजरता था कि बस जाके दरख्त पे बैठा हुआ, पूरा पूरा दिन गुजर गया, शाम को वापस आ गया, बहुत ज़्यादा इस तरह का टाइम। तो वही मुझे लगता है कि ये बहुत लंबी एक जर्नी है जिसमें आपने, ज़रूरी नहीं कि फिल्म के अंदर कोई 25 साल लगाए हैं तो आप जाके कुछ बनाया है, बट मगर आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर भी बड़ी चीज़ें सीखी हैं। जो दूसरा एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से एक ऐड करना चाहूँगा वो यही कि एज अ सिनेमाटोग्राफर जो मुझे फ़ील होता है कि जो भी यंग लोग भी आ रहे हैं, मुझे बड़ा कई दफ़ा कुछ सवाल करते हैं, किस लेंस पे हुआ है, किस कैमरा पे हुआ है। ऑनेस्टली मैं कभी ये सवाल किसी से नहीं पूछा था। मुझे लगता है कि जो भी टूल है आपके पास, आप उससे कहानी बताना चाहें आप बता सकते हैं। मैंने बहुत छोटे कैमरे से भी शूट किया हुआ है, लिटरली बड़े कैमरे पे करने के बाद भी मैं वापस गया हूँ। ये भी नहीं कि एक दफ़ा कर लिया तो आप बस इसी के ऊपर सेट हो गए, बट ये है कि जो भी आपके पास कैमरा है, जो भी है टूल, आई थिंक उससे आप वो बता सकते हैं। क्योंकि इन दी एंड वही है कि सिनेमाटोग्राफी का पर्पज़ मुझे लगता है ये है ही नहीं फिल्म के अंदर कि आप सिर्फ शॉट्स देख रहे हो, लाइट देख रहे हो, आपका यह क्या एंड पे आपने क्या फील किया उससे, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म भी इसी तरह हमने बनाई थी, उसमें किसी ने कहा यार बहुत बुरी सिनेमाटोग्राफी है इसकी, बट एक बंदे ने कहा यार मुझे ना कुछ फील हुआ है इससे, इस जो विजुअल ये है ना, ये कुछ बहुत ही अजीब सा विजुअल है, इसके अंदर से मुझे कुछ फीलिंग आई है। तो मैंने कहा यार ये जो है ना कुछ है कि टेक्निकली तो हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, बट ये फीलिंग कैसे डालेंगे। और इस फिल्म में बहुत मार्जिन था कि हम वो एक्स्ट्रा कर देते, कि मतलब वो जो लोकेशन थी, बाकी जो मिसालें थी, कुछ भी कितने भी घुमा के कैमरा शूट टू फ्रेम तो फ्रेम बन जाएगा। उधर पहाड़ है, उधर आबशारें हैं, उधर नदी है, एंड आई थिंक देयर वर सो मेनी लोकेशंस व्हिच वर सो ब्यूटीफुल, बट एक्चुअली वी डिडंट हैव एनी सीन जो हम वहां पे प्लेस करते। और मैं कई दफा ये ललचा रहा होता था कि फलाने सीन को उधर ले आए, बट देन आई थिंक वो भी एक डिसीजन आपको लेना पड़ता है कि खाली एक विजुअल से आप लोगों को, मतलब इट्स नॉट मेंट टू बी जस्ट अ ब्यूटीफुल फ्रेम, इट नीड्स टू स्टिल टेल अ स्टोरी, यू नो। बट थैंक यू फॉर टेलिंग दिस स्टोरी विद मी, एंड जस्ट विशिंग टू मोर कोलैबोरेशंस हमारी भी एंड योर जर्नी एज अ फिल्म मेकर। और अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, जो मैं इसलिए आज रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूँ कि वो कहानी जो फ़ोन पे मुझे बताया था कि मेरे अंदर जो मैंने सुननी है, उस कहानी का मैं इंतजार कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग विटनेस करेंगे अब इस चीज को, सो दैट आई कैन होल्ड यू। कहानियां आती रहती हैं ऐसे, लेकिन वो आके जानी नहीं चाहिए ना। हाँ, उनको स्टे भी करना चाहिए। नो डाउट, सो आई एम वेटिंग। थैंक यू सो मच।